ये जो गाइस आप लोग क्लिप देख रहे हो ना, ये क्रीवा की बात रूटीन है, वो भी बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन आज का जो वीडियो है वो एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। क्रीवा के डैडी ने फर्स्ट टाइम क्रीवा के लिए कुछ गिफ्ट मंगवाया है, और इतना बड़ा गिफ्ट, और यही है जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्रीवा का बात है ना, वही मंगवाया था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और मैं बिल्कुल सरप्राइज थी कि डैनी से क्या मंगवाया होगा। लेकिन फाइनली जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की तब मुझे पता चला कि डैडी ने वही मंगवाया है जो मैं लेना चाहती थी क्रीवा के लिए। सो अभी तक तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही ना तभी तो मुझे पता चल गया, क्योंकि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर ली है। सो अभी आप लोगों के सामने इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं ऐसे ही बैठ गई थी कि डैडी ने फर्स्ट टाइम मंगवाया है, मुझे नहीं पता कि मैं ये वीडियो का टाइटल ऐसा कुछ रखूँगी और ऐसा कुछ निकलेगा, लेकिन आज की एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। फिर इसका मैं मतलब यूज़ कर रही हूँ अभी क्रीवा के ऊपर। अगर मुझे अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी मुझे लगे, मैं जल्द आप लोगों के साथ इसका रिव्यू आप लोगों के साथ बात टप का शेयर करने वाली हूँ। क्वालिटी वाइज सब कुछ शेयर करूँगी। इसके बाद क्रीवा की बात रूटीन भी आने वाली है कि क्रीवा ने फर्स्ट टाइम ये आई नहीं ये बात टप में बैठ के क्रीवा को कैसा फील हुआ, क्रीवा रोई थी या फिर एंजॉय किया था, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इसमें देखने को मिलेगा। सो वेट जरूर कीजिएगा। अभी क्रीवा को डैडी लेके बैठे हैं, क्रीवा के पापा लेके बैठे हैं, और मैं कर रही थी इसकी अनबॉक्सिंग। एक तो बॉक्स इतना बड़ा था, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी इसे ओपन करने में। फिर भी जैसे तैसे करके हमने इसे ओपन कर ही लिया, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि डैडी ने क्रीवा के पापा ने क्या मंगवाया है। ऐसा तो इतना बड़ा बॉक्स क्या है, मैंने किसी की हेल्प ली ये हमारे यहाँ जो हेल्पर आती है ना उसकी लड़की है, सो इसकी हेल्प ली और फटाफट मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की, क्योंकि डैनिस को क्रीवा ने पकड़ा था। क्या बोल रही हूँ, क्रीवा को डैनिस ने पकड़ा था, डैनिस को क्रीवा ने नहीं, क्रीवा को डैनिस ने नहीं। अरे बाप रे यार, कैसे ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैं कट नहीं करने वाली हूँ, ऐसे ही जाएगा जो भी है। मम्मी आ गई, फाइनली हम अनबॉक्सिंग। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि डैडी ने क्या मंगवाया है। हमारी चाकू, और ये रही मम्मी, और गाइस ये रही मम्मी, भी फाइनली आ गई है। और मम्मी को थोड़ा काम है, वो किचन में बिजी है। पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और क्रीवा भी उठ गई है, ये क्रीवा की डैडी ने फर्स्ट टाइम कुछ मंगवाया है अपनी डॉटर के लिए। देखते हैं क्या मंगवाया है। तो ये क्रीवा के लिए फर्स्ट गिफ्ट बोल सकते हैं। ओ माय गॉड, यही गाइस मैं मंगवाने वाली थी। फाइनली क्रीवा की डैडी ने मंगवा ही लिया। आई डोंट, ये कलर मुझे इतना, मतलब मुझे जो कलर चाहिए था वो नहीं है, लेकिन वही प्रोडक्ट है जो मैं मंगवाने वाली थी क्रीवा के लिए। फाइनली क्रीवा के डैडी ने ही मंगवा लिया। थैंक यू। गाइस ये एक बाथ टब है क्रीवा के लिए। हम लोगों ने बाथ टब मंगवाई, डैडी ने, क्रीवा के डैडी ने बाथ टब मंगवाया, और क्वालिटी वाइज सो गुड यार। लेकिन मैं जो मंगवाने वाली थी ना वो थोड़ा डिफरेंट था। चलिए आप लोगों के साथ ही ये अनबॉक्सिंग करते हैं, और मैं आप लोगों के साथ रिव्यू भी डेफिनेटली आगे आने वाले वीडियो में शेयर करूंगी कि ये कैसा है, कैसा वर्क करता है सब कुछ। अभी इसे अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि एक्चुअल में ये कैसा वर्क करता है। सो फाइनली कुछ इस तरह से मुझे ये रिसीव हुआ है। चलिए अभी से पूरा मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके बैक साइड में आप लोग देख सकते हैं स्टैंड भी लगा हुआ है। सो इस तरीके का कुछ ये स्टैंड है। मैंने इसका वीडियो तो देखा था यूट्यूब पे, अभी फाइनली आप लोगों के सामने मैं ओपन करके ये स्टैंड है। आई थिंक ये स्टैंड ही है। पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, मुझे भी मतलब पता नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं भी इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। अपनी हाइट पे, और ये जो आप लोग देख सकते हैं ना, इसके अंदर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारा
गाइस अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया ना वो टेम्परेचर सेट करने का था। इसका मतलब है कि पानी कितना गर्म है कितना ठंडा है वो टेम्परेचर कितना है वो दिखाता है ये मशीन का भी काम करता है। सो मुझे ये थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी और ये थोड़ा महंगा भी है। मैं जो मंगवाने वाली थी ना आप लोगों को यहाँ पे पिच दे दूँगी कि मैं कुछ इस तरीके का मंगवाने वाली थी, वो करीब 1100 1200 या फिर 1300 के करीब कुछ था, लेकिन ये थोड़ा सा नहीं महंगा है लेकिन क्वालिटी वाइज सो गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। और डेनिस को थैंक यू बोलना चाहूँ कि उन्होंने क्रीवा के लिए बाथटब मंगवाया और इतनी अच्छी क्वालिटी भी है और क्वालिटी वाइज बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है आप बोल सकते हैं, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी के लिए स्पेशली ये बना हुआ है और न्यू बॉर्न बेबी के लिए तो परफेक्ट है। ये जो इसके अंदर क्या बोलते हैं मैट्रिस या फिर आई डोंट नो क्या बोलते हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, एकदम सॉफ्ट मटेरियल का है और बेबी आराम से लेट सकता है। और इसके अंदर जो मैंने जो देखा था ना वो प्लास्टिक का था, सो वो बेबी को न्यू बॉर्न बेबी को स्पेशली थोड़ा सा चुभ सकता है, लेकिन इसके साथ मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। मैंने यूज़ कर लिया है, इसका रिव्यू जो है मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। बाकी अभी आप लोग ये देख लो, बढ़िया क्वालिटी है और ये इसका जो पैटर्न है ना क्या बोलते हैं वो भी बेबी की तरह ही बना हुआ है। ये भी आप लोग देख सकते हैं बेबी की दुकान है, साथ में ये जो है ये यहाँ से पानी निकलता है, तो ये भी बेबी को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। इसका जो क्या बोलते हैं पैटर्न जो है वो बेबी को ध्यान में रखते ही बनाया गया हुआ है। इसके ऊपर कार्टून की प्रिंट दी हुई थी, सो ये भी बढ़िया है, यहाँ से पानी आराम से आप निकाल सकते हैं। और मुझे एक बात की बड़ी टेंशन थी कि क्रीवा रोएगी तो नहीं ना, क्रीवा जब डैडी ने इतने पैसे खर्च करके ये मंगवाया है तो क्रीवा इसमें कंफर्टेबल तो फील करेगी ना। तो अभी आप लोग देखेगा गाइस जैसे ही डैनिस क्रीवा को इसके अंदर रखेंगे ना वो तो बाय गॉड, मुझे सोचा भी नहीं था मैंने कि इतना एंजॉय करेगी, फर्स्ट टाइम में ही वो इतना कंफर्टेबल हो गई है ना। और अभी मैं क्रीवा को इसमें ही बात दे रही हूँ डेली, वो बहुत एंजॉय करती है। सो नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। देखो गाइस क्रीवा कैसे लेट गई और बिल्कुल भी नहीं रोई, बहुत बहुत प्यारी भी लग रही है। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं बात रूटीन शेयर करने वाली हूँ क्रीवा की, और आप लोगों को वो भी देखने को मिलेगा कि क्रीवा कैसे इसमें बात ले रही है और बहुत एंजॉय भी कर रही है। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट जो मैंने क्लिप डाली थी इसमें देख ही लिया होगा कि क्रीवा कितना एंजॉय कर रही है। क्रीवा के लिए मैंने कुछ टॉयज़ वगैरह भी मंगवाए हैं, वो भी जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही आने वाले दिनों में इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड व्लॉग्स आने वाले हैं। जैसे ही गाइस आप लोगों ने मेरे प्रेगनेंसी व्लॉग्स को प्यार एंड सपोर्ट दिया, उम्मीद रखती हूँ कि आने वाले दिनों में जो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग्स शेयर करूँगी उसको भी आप इतना ही प्यार और सपोर्ट देंगे। इसी के साथ क्रीवा के लिए लाइक करते जाइएगा, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा।